महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशमुख ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर पद छोड़ रहा हूं। आपको बता दें कि वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए थे। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद देशमुख सवालों के घेरे में थे। सूत्रों के मुताबिक दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्रालय की जानकारी दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अनिल देशमुख ने जो अपने ट्विटर पर चिट्ठी जारी की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि इस्तीफे की मांग तो कब से हो रही थी, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जयश्री पाटिल जो एक वकील हैं उनकी याचिका पर यह कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो आरोप परमबीर सिंह ने लगाए हैं वो बहुत गंभीर है। उसके बाद अनिल देशमुख का ये इस्तीफा होता है जिसमें वो लिखते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। अपने इस्तीफे में क्या कुछ लिखा है अनिल देशमुख ने, एक बार वो आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, पूरी बात उसमें क्या लिखी है। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद गृहमंत्री पद पर बने रहना नैतिक रूप से ठीक नहीं है, यह लिखा है अनिल देशमुख ने अपनी चिट्ठी में। इसलिए मैंने खुद से पद छोड़ने का फैसला लिया है। ये अनिल देशमुख ने अपनी चिट्ठी जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है उसमें लिखा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील जयश्री पाटिल की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और इसलिए इस फैसले के बाद गृहमंत्री पद पर बने रहना नैतिक रूप से ठीक नहीं है। इसलिए नैतिकता को ध्यान में रखते हुए मैंने ये इस्तीफा दिया है, अपना खुद ही पहल करते हुए इस्तीफा दिया है, ये कहा गया है अनिल देशमुख की तरफ से। और ये हम आपको उनकी चिट्ठी दिखा रहे हैं, जो चिट्ठी अब से कुछ देर पहले अनिल देशमुख ने अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है जनता के सामने। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि शरद पवार से मिलने के बाद देशमुख उद्धव को इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनंती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वे मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनंती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पर रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनंती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। और देखिए, लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं और उस पर पूरी जानकारी इनसाइड स्टोरी बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े। जितेंद्र, मैं सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूं और बड़ा सीधा सा सवाल है, 20 तारीख से ये सब कुछ चल रहा है, नैतिकता की याद आज क्यों आई अनिल देशमुख को? बिल्कुल, और एनसीपी ने भरपूर कोशिश की थी अनिल देशमुख को बचाने के लिए, लेकिन आखिर में वो हो नहीं सका। जब परमबीर सिंह ने उनके ऊपर आरोप लगाए, आरोपों वाली जब चिट्ठी भेजी राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, तो उसके बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग उठ रही थी, लेकिन उस वक्त में एनसीपी ने उन्हें बचा लिया और एक रिटायर्ड जज के थ्रू इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई कि ये इंक्वायरी करेंगे पूरे मामले की। लेकिन मामला पैरेलली साथ साथ बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट में ना केवल जयश्री पाटिल ने बल्कि परमबीर सिंह की भी जनहित याचिका थी और दूसरे भी लोग थे जिन्होंने जनहित याचिका दायर कर रखी थी। और आज हाईकोर्ट ने सीधे सीधे निर्देश दे दिया कि इस मामले में चूंकि गृह मंत्री पद पर बने हुए हैं अनिल देशमुख, इसलिए सीबीआई से जांच करवानी जरूरी है और सीबीआई को एक प्राथमिक रिपोर्ट जांच करके सौंपने के लिए कहा है 15 दिनों के भीतर। एफआईआर दर्ज करने को फिलहाल नहीं कहा है, लेकिन जब वो रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होगी उसके आधार पर सीबीआई अगली कार्रवाई कर सकती है।
ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। FIR दर्ज करने को अभी नहीं कहा है, अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांगी गई है और उसके बाद CBI अगली कार्रवाई कर सकती है। वो कोर्ट के सामने रिपोर्ट जाएगी, उस पर कोर्ट फैसला करेगा। रौनक, ताज़ा अपडेट क्या मिल रहा है? CM से मिलने के लिए पहुंचे थे, जो जानकारी मिल रही थी अनिल देशमुख, उसके बाद क्या वो रवाना हो गए इस्तीफा औपचारिक तौर पर देने के लिए? हालांकि चिट्ठी तो उन्होंने शेयर कर दी है सोशल मीडिया पर। देखिए आदर्श, अभी भी गृह मंत्री अपने घर ज्ञानेश्वरी पर मौजूद है और कुछ देर बाद ही वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। आपको जानकारी दे दूं कि रौनक की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, मैं समझना चाहूंगा ये जो महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, आरोप बड़े संगीन लगे लेकिन उन आरोपों को इस तरीके से नकारा गया जैसे कोई नहीं, बहुत छोटी सी बात है, बाद में कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, परमवीर सिंह भी पहुंचते हैं, हालांकि उनकी याचिका पर यह फैसला नहीं हुआ, एक वकील की याचिका पर फैसला हुआ, लेकिन जो सरकार की छवि बचाने की कोशिश हो रही थी तो उसको तो बड़ा लग गया इससे। जी हाँ बिल्कुल, और हम देखेंगे पिछले महीने डेढ़ महीने में ठाकरे सरकार के लिए ये दूसरा बड़ा झटका है। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे संजय राठौड़, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे और बाद में उन्हें भी अपना इस्तीफा देना पड़ा था। संजय राठौड़ हालांकि शिवसेना से थे और अब ये अनिल देशमुख, जिनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए हैं और सीधे सीधे आरोप ये लगाया है कि वे 100 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। परमवीर सिंह के मातहत जो अधिकारी थे उनसे वो सीधे संपर्क में थे, उनसे मीटिंग करते थे, उनसे डील करते थे और उनको कहते थे कि मुंबई में जो बार्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो पब्स हैं, उनसे वसूली करके 100 करोड़ रुपए हर महीने दिए जाने चाहिए। ये बेहद गंभीर आरोप था और ये आरोप लगाने के पहले ABP माजा के ये कार्यक्रम में खुद अनिल देशमुख ने ऐसा कहा था कि परमवीर सिंह ने जो गलतियां की हैं एंटीलिया कांड में वो क्षम्य नहीं है। और उनके इस बयान के बाहर आने के बाद परमवीर सिंह गुस्सा गए, फिर उन्होंने ये खत लिखा और उन्होंने तय किया कि वे खुद अनिल देशमुख की पोल खोल करेंगे। और ये सारी बातें लिखते हुए उन्होंने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को खत भेज दिया और उनके खत के बाद वे खुद सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पर उन्होंने रिट याचिका दायर की और कहा, अपने तबादले को चैलेंज किया, उनको पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर होमगार्ड में भेज दिया गया था, उस तबादले को चैलेंज किया और पूरे मामले की CBI जांच कराने की गुहार लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में जाने को कहा और बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर उन्होंने जनहित याचिका दायर की। जी, आप रहे रौनक का रुख कर लेते हैं एक बार। रौनक, आप इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? पहुंचे थे कुछ देर पहले अनिल देशमुख मिलने के लिए CM से, क्या अपडेट? देखिए आदर्श, जो जानकारी अभी मिल रही है उसके मुताबिक अब तक CM आवास पर अनिल देशमुख नहीं पहुंचे, वो अपने घर पर है। हालांकि उन्होंने ट्विटर पर अपने इस्तीफा जो है वो सार्वजनिक कर दिया है, मुख्य तौर पर इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री को भी भेज दिया है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री पद का जो पदभार है वो अब दिलीप वैसे पाटिल को दिया जा सकता है, इस तरह की खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और दिलीप वैसे पाटिल के पास जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो अजीत पवार के पास दिया जा सकता है, ये भी खबरें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ इस तरह का ही फैसला शरद पवार के यहाँ पर जो बैठक हुई थी उसमें तय किया गया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जब यह तय किया कि मैं अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूँ, उसके बाद उस मीटिंग में अजीत पवार मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थी और खुद शरद पवार। आपको बीच में रोक रहा हूँ, रौनक, इस वक्त केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और 3:45 बजे जो मुंबई पुलिस है उसने एक प्रेस कर दिया अपने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा कि सचिन वाजे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और वो बिना कोई सवाल लिए चले भी गए। मोटी बात है कि हमारी प्रेस का असर पड़ता है, BJP की प्रेस का। हाँ, सुबह में देवेंद्र जी ने भी प्रेस किया था। मैं 2-3 मुद्दे उठाना चाहूँगा आपके विचार के लिए। मुंबई हाईकोर्ट का पूरा फैसला तो लोड होगा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो उनका फैसला हुआ है उसमें पहली बात यह है कि बिकॉज द प्रिंसिपल पर्सन इन्वॉल्व्ड इज द होम मिनिस्टर, देयरफॉर ए फेयर प्रोब कैन नॉट बी डन बाय द मुंबई पुलिस। हम शुरू से एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे और मुंबई पुलिस के द्वारा यह संभव नहीं था। थोड़ा जस्ट टू रिकॉल, और ये आज उसको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है कि देशमुख जी ने कहा था वाजे को कि जैसा आरोप लगाया गया था कि मुंबई में लगभग 1750 बार है, रेस्टोरेंट है, तो आप हर
महीने हमें 100 करोड़ कलेक्शन करके दीजिए। तो हम लोगों ने एक विषय उठाया था कि ये टारगेट सिर्फ एक सिटी मुंबई का है, तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था, और ये टारगेट सिर्फ एक मंत्री गृह मंत्री जी का है, तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था। जब हमने पहले बात उठाई थी तो हमने एक बात और कही थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश हैं, शरद पवार जी कहते हैं मंत्री के बारे में फैसला मुख्यमंत्री करते हैं, और कांग्रेस और शिवसेना कहती है कि देशमुख जी के बारे में फैसला एनसीपी करेगी। आज तो कमाल ही हो गया, वो शरद पवार से अनुमति लेने गए और जाके मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा सौंपा। तो देश को क्या बताया जा रहा था, व्हाई द कंट्री वॉज बींग टेकन फॉर ए राइड। हम भी जानते हैं कि शरद पवार के इशारे पर ही वो इस्तीफा देते या ना देते, लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे, उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। द कंसिस्टेंट कॉन्स्पिकुअस साइलेंस ऑफ मिस्टर उद्धव ठाकरे इज बाई इट्सेल्फ रेजिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्या हम ये मानकर चलें कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, आप एक बात देखिए, इस पूरे मामले को मैं पार्टी की तरफ से और थोड़े कानून की समझदारी के रूप से कुछ रखना चाहता हूं। जो हमारी लास्ट प्रेस थी उसी दिन मैं मुंबई पुलिस ने प्रेस किया, और एनआईए सचिन वाजे की कहानी की परत दर परत रोज निकाल रही है। अभी तक कितनी गाड़ियां पकड़ी गई उनकी, लग्जरी गाड़ियां, हैं 6 या 7 आ गई हैं, 8 हो गई, रोज नई गाड़ियां मिलती हैं जो उपयोग कर रहे हैं। एनआईए ने गोताखोरों को मीठी नदी में कुदवाया तो कितनी चीजें निकल गई। तो इस सचिन वाजे की कहानी कहां तक जाएगी ये तो एनआईए बताएगी, लेकिन उसकी परत दर परत रोज खुल रही है। हमारी अपेक्षा होगी कि सीबीआई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी प्रामाणिकता से अवश्य करेगी, और जो लॉ में प्रावधान है, अगर उनको लगता है कि प्राइमा फेशी केस है तो एफआईआर करने का उनका अधिकार है, और कोर्ट ने स्वयं पाया है कि मामला गंभीर है, गृह मंत्री इन्वॉल्व हैं, फेयर प्रोब मुंबई पुलिस के द्वारा नहीं संभव है। प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में बीजेपी की, चाहे वह महाराष्ट्र हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह अपेक्षा अवश्य होगी कि इस मामले की सारी परतें खोली जाएंगी। द बीजेपी एक्सपेक्ट्स that all the ramifications of this issue ought to be investigated fairly, properly, and those who are involved must be brought to book. ये अनिल देशमुख से ने जो मांग उगाही की मांग की, तो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? देखिए पत्रकार मित्रों, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये भारत के, आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री एक क्वेश्चनेबल कंडक्ट के एएसआई सचिन वाजे को कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ रुपए का इंजाम करो। और जिस तरह से आप लोगों ने एनआईए की रिपोर्ट बताई है, होटल में रहना, एक ज्वेलरी कंपनी का 30 लाख का एडवांस भुगतान करना,
वाजे के ठहरने के लिए, वहाँ एक महिला का मिलना, नोटिंग मशीन, नोट की काउंटिंग मशीन का जाना, तो परतें खुल रही हैं ना। तो श्योरली देयर मे बी ए लॉट ऑफ लिंकेजेस, बहुत से अधिक सेतु निकलेंगे इससे, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के सभी सेतुओं की जांच होनी चाहिए। वी एक्सपेक्ट ऑल द लिंकेजेस ऑफ दिस, आई वुड से शेमफुल कंडक्ट ऑफ करप्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। मैंने एक नाम दिया था, जैसा कि दवा में, जैसा मेरे शब्द समानता नहीं होते हैं, आप लोगों से कई बार मैंने बात करने का अवसर मुझे मिलता है, महागाड़ी नहीं है वसूली अगाड़ी। और मुझे यह अपेक्षा नहीं थी कि वसूली अगाड़ी एक प्रकार से रोज बरोज साबित हो जाएगी। तो इसलिए हम एक बात फिर कहेंगे कि हमारे, कहाँ है चिट्ठी भाई, उनकी लाओ तो। बड़ा अच्छा लगा ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है, इसमें क्या कहा गया है, मैं नैतिक आधार पे इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। हाँ मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? उद्धव ठाकरे जी, आपके मुख्यमंत्री तो रोज अपने को डिफेंड करते थे, मंत्री, गृह मंत्री, आप तो कुछ नहीं बोलते थे, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके प्रवक्ता, आपके नेता, और देशमुख साहब खुद ही अपने को डिफेंड करते थे कि मैं तो बीमार था और क्या था वगैरह वगैरह। तो आज उनके शब्द से, नैतिक कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ये बात निकली है। तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहाँ है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? आई थिंक मिस्टर उद्धव ठाकरे हैज फॉरफिटेड द मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए हैं, जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है। पत्रकार मित्रों, लोकतंत्र का एक बहुत सीधा वसूल होता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। डेमोक्रेसी इज रन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोबिटी, ऑफ प्रोप्राइटी, विद द पीपल मे अप्रिशिएट। 15 दिन के अंदर उनको अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देनी है। आपको मालूम है कि CBI दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एक PE करती है, फिर उसके बाद रिवर्स इंक्वायरी करती है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप। बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है, जिस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में बन गई है, अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद लगातार घेरने की कोशिश हो रही है उद्धव ठाकरे सरकार को। और इस वक्त रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितेंद्र दीक्षित, रौनक सीधा CM आवास के बाहर से मौजूद है। रौनक, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए आदर्श, कुछ देर बाद अनिल देशमुख जो है वो अपने घर से निकलकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए उनके सरकारी निवास स्थान पर पहुंच सकते हैं। इस तरह की हलचल जो है उनके घर के बाहर मुख्य तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब स्वीकार कर लेते हैं तो उनकी जगह दिलीप वळसे पाटिल को नया गृह मंत्री जो है वो महाराष्ट्र का बनाया जा सकता है। इस तरह की खबरें जो है सामने निकल कर आ रही है। और दिलीप वळसे पाटिल के पास जो एक्साइज डिपार्टमेंट का चार्ज है वो अजीत पवार को दिया जा सकता है। दिलीप वळसे पाटिल के बारे में आपको बता दें कि 7 बार से लगातार ये विधायक रहे,
विधानसभा का अध्यक्ष पद भी पिछली जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर मंत्री है और शरद पवार के बेहद करीबी मंत्रियों में से एक माने जाते हैं, इसलिए शायद उनको ये पदभार जो है वो दिया जाके, इससे पहले जयंत पाटिल और अजीत पवार का नाम भी काफ़ी सामने निकल कर आ रहा था कि उनको ये पद दिया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे जो सूत्र कन्फर्म कर रहे हैं वो ये है कि दिलीप वळसे पाटिल को अगला गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र का बनाया जा सकता है। जी, समय का मैं रौनक लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। रौनक और जितेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।